एवरीवन, वेलकम टू द मेकअप डायरीज। और मेरा नाम है नितिका। आज हम क्या करने वाले हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि रिंकल्स और फाइन लाइंस, स्ट्रेच मार्क्स, देन दिस इज द वीडियो दैट यू हैव टू सी। ऑलराइट, हमें क्या करना है, हमें बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जनरली आप वेट लॉस करते हैं, पुट ऑन करते हैं तो स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, प्रेगनेंसी की वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल पैक दैट यू कैन मेक एट होम, अप्लाई ऑन रेगुलर बेसिस टू सी व्हाट आर द रिजल्ट्स। उसके लिए बहुत आसान चीज़ें चाहिए, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं चाहिए हमें, घर पे इजीली अवेलेबल होते हैं। और एक मैं आपको टोनर भी बनाना सिखाऊंगी जो आपको रेगुलरली, यू नो, फॉर 3 डेज, यू नो, एवरी 3 डेज यू हैव टू मेक न्यू वन, नया बनाएंगे और आप उसे यूज करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें क्या चाहिए, हमें 2 चम्मच उबले हुए चावल चाहिए। 2 चम्मच उबले हुए चावल को अच्छे से, यू नो, बॉइल करके हुए, यू नो, आई यूज्ड बासमती राइस, मैंने उन्हें बॉइल किया है। बॉइल करने के बाद उसके अंदर मैंने 1 चम्मच उबला हुआ दूध डाला है, यानी कि 2 स्पून्स ऑफ राइस, बॉइल्ड राइस, एंड 1 स्पून ऑफ हॉट मिल्क। अब इसके अंदर डाल के मैं इसे मैश कर दूंगी। बिल्कुल हमें पेस्ट की तरह उसे बनाना है। जितना आप मैश कर सकते हैं उतना बेटर है। मैं आपको रेकमेंड करूंगी जब आप ये चीज बना रहे हैं आप स्पून का यूज करें, डोंट यूज योर हैंड्स, ठीक है। हैंड आप जब अप्लाई कर रहे हैं तब यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप बना रहे हैं आप चम्मच का इस्तेमाल ही करें। सो दिस इज योर, यू नो, कुछ ऐसा सा मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आई एम यूजिंग दिस राइस स्टार्च। राइस स्टार्च मतलब है जब मैंने चावल उबाले थे, उबाल कर जब आप चावल छाने तो वो जो पानी था, जिस पानी में मैंने राइस उबाले थे, वो पानी मैंने अलग से निकाल दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके अंदर डालूंगी, इस मिक्सचर के अंदर, जस्ट, यू नो, थोड़ा सा यू कैन से उसको लिक्विड वाला कंटेंट देने के लिए, 1.5 चम्मच, ज्यादा नहीं। After this, I am adding 1 spoon of honey. I am using Patanjali honey. अगर आपके पास organic honey है आप वो use कर सकते हैं, that is up to you. कोई और brand का honey है तो आप वो भी use कर सकते हैं, that is up, just up to you. So इसके अंदर मैंने 1 spoon of honey डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा सा लिक्विड ही है, ठीक है। आपको इससे फेस पे या जहां पर भी स्ट्रेच मार्क्स हैं, या जहां पर भी आप कहें आपको फाइन लाइंस हैं या रिंकल्स हैं, उस पे इसे मसाज करना है। मैं आपको इसे हाथ पे मसाज करके दिखाती हूँ। मैंने थोड़ा सा कंसिस्टेंटली हाथ पे दिया है। हाथ में जैसे आप लेंगे इसको हल्का सा, यू नो, मसाज कर लेंगे, जस्ट टू मेक श्योर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो रखे हैं। और उसको धीरे धीरे, आप देख रहे हैं, इसमें थोड़े थोड़े राइस के, यू नो, पार्टिकल्स भी हैं, आपको धीरे धीरे अपने हाथ पे या फिर जहां पे भी आपको मसाज करना है मसाज करेंगे और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा आपको इसके ऊपर दूसरी लेयर लगानी है एंड देन उसको भी ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे। आपके जहां पे भी फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, स्ट्रेच मार्क्स हैं या एजिंग प्रॉब्लम है, सो दिस वुड राइस वाटर वुड, यू नो, जो बॉइल्ड राइस होता है और इसके अंदर हमने जो राइस स्टार्च डाला है, इट वुड हेल्प टू मेक श्योर जो आपकी स्किन है वो यंगर लुकिंग लगने लग जाए, आपके रिंकल्स मूव हो जाए, रिमूव हो जाए, आपके यू कैन से आपके स्ट्रेच मार्क्स रिमूव हो जाए। जो दूसरा चीज है, जो टोनर मैंने आपको बोला है, दिस इज योर राइस स्टार्च जो हमने चावलों को उबाल के पानी निकाला था,
मैंने एक कप यहाँ पे राइस वाटर लिया है, इसके अंदर मैं एक कप ठंडा पानी नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर डाल के इसको एक कंटेनर में रख दूंगी और उसको फ्रीज कर दूंगी। फ्रीज मतलब फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रख देना है। वो फ्रिज में रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको डेली जब भी ये फेस पैक सूखेगा इस वाटर से उतारते हुए मसाज करना है, ठीक है। एंड देन यू कैन यूज योर नॉर्मल वाटर टू वॉश इट। दैट इज ऑल। जो ये राइस स्टार्च वाला वाटर है ये आप 3 दिन तक फ्रिज में यूज कर सकते हैं। अगर आपका पैक खत्म हो गया है तो आप ये यू नो टोनर जो है या राइस स्टार्च जो है वो आप फिर भी यूज कर सकते हैं। जनरली फेस पे रेगुलरली इससे मसाज कीजिए, यू विल सी द ग्लो ऑन योर फेस। ये एक्चुअली जापानीज और कोरियन रेमेडीज हैं जो बहुत यूजफुल होती हैं एंड इज आउट ऑफ ऑल होम रेमेडीज, राइट। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाहर से लेके आनी है, सब कुछ घर पे इजिली अवेलेबल होता है। सो दीज आर वेरी सिंपल रेमेडीज फॉर यू नो आप उसे यू कैन से आपकी सारी प्रॉब्लम जो खासतौर पे यू नो खासतौर पर हमें ये प्रॉब्लम होता है कि यू नो एजिंग, फाइन लाइन्स, रिंकल्स हो रहे हैं, कैसे करना है, स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं, कैसे रिमूव करना है। सो दिस इज अ सोल्यूशन टू ऑल ऑफ देम। Try it once and you'll see the difference. But then I would recommend you using it regularly and you'll see the results. So that's all for today. Like this video, subscribe to my channel and follow me on Instagram. Thank you so much for watching. Have a lovely day. Take care. Bye-bye.